बागेश्वर में नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के चार्ज संभालते ही उनकी ईमानदारी की मिसाल देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि उनके चार्ज लेने के बाद उनके आवास पर दो व्यक्ति उनसे मिलने पहुंचे, जिन्होंने अपना परिचय भगवान सिंह मैनेजर कटियार माइंस बीसा नाकुरी रीमा जिला बागेश्वर और दूसरे ने इंद्र सिंह एडवोकेट के रूप में दिया। दोनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलने को कहा। दोनों ही अपने साथ एक पैकेट मिठाई, एक डायरी और कुछ पैसे लेकर आए थे। ये देते हुए दोनों बोलने लगे कि उनकी कई ट्रक खड़िया लेकर हल्द्वानी और बाहरी जनपदों में जाते हैं और बिना ओवरलोडिंग के उनका मुनाफा नहीं हो पाता, जिसके बाद दोनों ने पुलिस अधीक्षक का सहयोग मांगा। इस पर पुलिस अधीक्षक ने तुरंत आपत्ति जताते हुए प्रभारी निरीक्षक को दोनों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और एफआईआर दर्ज की गई। इन लोगों ने कहा कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं और मिलने के नाम पर ये लोग अपनी जो इनका पुलिस से मदद लेने के हेतु जो है इन्होंने 20,000 रुपये रखने का प्रयास किया मेरे सामने, जिसके लिए हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो है कोतवाली से पुलिस को बुलाकर वहीं पे ही हम लोगों ने इनको मौके से अरेस्ट किया। संवाद 365 के लिए बागेश्वर से हिमांशु गड़िया की रिपोर्ट।